मेरठ में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को सदर पुलिस द्वारा अमूमन क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। दरअसल एएसपी कैंट इरज राजा और थाना प्रभारी दिनेश चंद्र के साथ महिला पुलिस कर्मियों ने बेगमपुल और आबुलेन पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बाजार में आने वाले पुरुषों और महिलाओं को महिला हेल्पलाइन संबंधित नंबरों के विषय में जानकारी दी। इसी के साथ किसी भी महिला को मुसीबत में देखकर तत्काल इन नंबरों पर सूचना देने की अपील की। पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाते हुए हर समय उनकी मदद के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया। इसी के साथ बाजार में आए लोगों को बेटियों की सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। एएसपी कैंट इरज राजा ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा ये अभियान अभी जारी रहेगा। वहीं मार्केट में आई महिलाओं ने भी पुलिस के इस अभियान की सराहना की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुलिस ने ये वाला कदम उठाया कि लेडीज के लिए उन्होंने इतना सब कुछ सोचा। मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है और आगे जाके अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी। उन्हें जरूर जाके बताऊंगी कि इस जगह पे ये कारस्तानी हो रही, तो आप इसके लिए एक्शन लीजिए। तो आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने महिलाओं को लेके ऐसा कदम नहीं उठाया है, इस पे आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट ने उठाया कदम, इसके लिए थैंक यू। और जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुश हूँ इस गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। ये जो मिशन शक्ति अभियान शुरू हुआ है उसी के क्रम में आज बॉम्बे बाज़ार, जो कि सदर बाज़ार थाने का व्यस्तम मार्केट है, यहाँ पर महिलाओं का आना काफ़ी संख्या में रहता है, तो उसी के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनके अधिकारों के प्रति और उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि पुलिस हर कदम पर हर चीज़ में उनके साथ है, किसी भी तरह से ये ना सोचें कि पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा, पुलिस हमेशा सहयोग करेगी, हमेशा करती आई है। और इसी के लिए हमारे साथ महिला थाने की महिला पुलिस भी थी जो थाने की है, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें महिलाओं को बताई। महिलाओं को उन्होंने मिशन शक्ति के बारे में, हमारी जो हेल्पलाइंस है पुलिस की बहुत सारी, उनके बारे में बताया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है महिलाओं का, महिलाओं ने उन चीज़ों को समझा है और सभी लोगों ने समझा है और सब ने ये कहा है कि मिशन शक्ति में पुलिस का पूरी तरह सहयोग करेंगे और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि पुलिस भी हर तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तत्पर है और हम उनको हर तरह से सुरक्षा देने के लिए, उनको स्वावलंबन के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं और तैयार हैं। इसमें देखा भी गया है कि पुलिस द्वारा महिलाओं को शपथ दिलवाई गई है, लोगों को शपथ दिलवाई जा रही है, किस तरीके की शपथ है, क्या उनसे शपथ ली जा रही है? इसमें ये शपथ दिलवाई जा रही है कि जिस तरह से घर में महिलाओं को ट्रीट करते हैं लोग अपनी माँ बहन और बेटियों को, उसी तरह से सभी महिलाएँ बराबर हैं, हम उनको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन का मेन प्रोग्राम है। इसमें सभी लोगों को, स्पेशली हमारे यूथ को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ जो है वही आगे चल के सभी महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा। तो इसमें मेन चीज़ जो हमने की है आज, वो सेंसिटाइज किया है लोगों को और काफ़ी अच्छा सेंसिटाइज करने का रिस्पॉन्स मिला है। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया आपकी तरफ से? हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, 1090 1098, उनके बारे में और लोगों को बताया जा रहा है, पैम्पलेट जो दिए जा रहे हैं उनमें वो सब नंबर लिखे हुए हैं। थाने पर हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है, इसके अलावा और भी जो नंबर हैं थाने के, हमारे सीओ ऑफिस के और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर, वो सब नंबर भी हम जगह जगह पर फ्लैश करेंगे ताकि कोई भी महिला हो, किसी भी तरह की उसको दिक्कत हो, सीधा उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी परेशानी बता सके। तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।